السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله وحده. ठीक है बोल. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद. दुनिया में इहतराम के काबिल जितने हैं लोग दुनिया में इहतराम के काबिल जितने हैं लोग हम सब को मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद. हर किस्म की हमदो सदा तारीफात तस्बीहात तमजीदात अल्लाह वहदहू ला शरीक की जात के लिए है जो मेरा और आपका खालिक है मालिक है और राजिक है. अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूद व सलाम आकाए दो जहां इमामुल अंबिया नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म शफीउल मुज़रिबीन रहमतन लिल आलमीन खातमुन नबियीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनके इस कायनात में तशरीफ लाने के सबब अल्लाह ताला ने हमें कुरान मुकद्दस जैसी अजीम तरीन बेहतरीन और मुकम्मल तरीन किताब से नवाजा. सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं अपने इंतहाई मुशफिक मेहरबान मेरी मुराद फजीलत शेख हजरत मौलाना हकीम अली असदुल्ला साहब हाफिज़हुल्लाह ताला जो इस मस्जिद के इस अदारे के मुतवल्ली हैं मुहतमम हैं कि जिन्होंने हमें आज यहां इस मौके पे दावत दे के आप जैसे अजीम लोगों की मुलाकात और ज़ियारत का शरफ बख्शा है. मुझसे कबल बड़े ही प्यारे बड़े ही अहसन और बड़े ही तरबीती और इस्लाही अंदाज में बयान फरमा रहे थे हजरत मौलाना मोहम्मद सईद मुबारकपुरी हफ़िज़हुल्लाह ताला. सच्ची बात है दिल तो यही चाह रहा था कि वो बयान करते जाएं और हम सुनते जाएं. दुआई कर सकता हूं कि अल्लाह ताला उनकी उम्र में इलम में और अमल में और ज्यादा बरकतें अता फरमाए और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप
अपने तमाम कामकाज मसरूफियात अपने घरों को दुकानों को अगर छोड़ के आए हैं तो फकत अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हाजिरी और आप सबकी तशरीफ आवरी अपनी बारगाह में मकबूल और मकरूह फरमाए। आप सुन चुके हैं कि मेरे बाद मुल्क के जय्यद उलमाए कराम हजरत मौलाना प्रोफेसर हाफिज अदील अहमद साहब दरजाखी हफिज़हुल्लाह ताला जो दूर दराज से बड़ा लंबा सफर करके वजीराबाद गुजरावाला से आपके पास तशरीफ लाए हैं और इसी तरह आपके तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक खतीब कुरान जनाब कारी मोहम्मद यासीन बलोच साहब हफिज़हुल्लाह ताला वो इंशाअल्लाह खिताब करने वाले हैं। मैं आपकी जमात का एक अदना सा खादम होने की हैसियत से इंतहाई मुख्तसर वक्त में एक दावते फिक्र देना चाहता हूं। किसी पे तनकीद नहीं, किसी की दिल आजारी नहीं, किसी पे तबर्रा नहीं, किसी पे तानो तशनी नहीं, फकत अपनी और आपकी, अपने मुआशरे की इस्लाह के लिए एक दावते फिक्र देना चाहता हूं, आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। माहे रबीउल अव्वल है, हर मुसलमान जानता है कि इस माहे मुबारक के अंदर इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के अंदर तशरीफ लाए। तफसीर का वक्त नहीं, आप अलैहिस्सलाम की तारीख विलादत के हवाले से बहुत सा इख्तलाफ है। कोई कहता है फलां तारीख को आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, कोई कहता है फलां तारीख को आप अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक हुई, कोई कहता है कि फलां तारीख को आप अलैहिस्सलाम इस जहां के अंदर तशरीफ लाए। मैं उस तफसीर में नहीं जाना चाहता, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप अलैहिस्सलाम के इस कायनात में तशरीफ लाने की हर मुसलमान को बहुत ज्यादा खुशी है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जिस मुसलमान को, जिस बंदा बशर को, जिस इंसान को आप अलैहिस्सलाम के इस कायनात में तशरीफ लाने की खुशी नहीं है वो शायद मुसलमान ही नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे साथियों, आप अलैहिस्सलाम के इस कायनात में तशरीफ लाने की खुशी बहुत ज्यादा है, बेइंतहा है, इतनी ज्यादा खुशी है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता, जिसका अहाता नहीं किया जा सकता, जिसको अदादो शुमार में नहीं लाया जा सकता। लेकिन रब्बे काबा की कसम है कि आकाए कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कायनात से रहलत फरमा जाने की, इस कायनात से रुखसत हो जाने की, इस जहां से वफात पा जाने की कमी उससे भी ज्यादा, जितनी ज्यादा कीमती, जितनी ज्यादा अहम, जितनी ज्यादा महबूब को चीज मिलने से खुशी होती है, वो चीज अगर ना रहे, वो चीज अगर छीन जाए, वो चीज अगर चटा हो जाए,
दोस्तो अजीजो, जरा बताओ कि उसके मिलने की खुशी ज्यादा होगी या उसके छिन जाने का गम ज्यादा होगा? अपनी उस महबूब, उस पसंदीदा, उस कीमती चीज के छिन जाने का, जुदा हो जाने का, हमेशा के लिए चले जाने का दुख, गम और सदमा बहुत ज्यादा। लेकिन मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, मेरे यारों, जरा सोचो तो सही कि आज शैतान ने हमारी कैसी मट मार दी है कि आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश पे तो इत्तफाक ही नहीं, पता ही नहीं, यकीन ही नहीं, इख्तलाफ है कि पता नहीं फलां अली को पैदा हुए। बता सकता हूं, लेकिन उलमाए कराम बयान करेंगे। कोई कहता है आठ तारीख को पैदा हुए, कोई कहता है 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, कोई कहता है 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, कोई कहता है 18 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, कोई कहता है 17 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। और हजरत पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तो लिखते हैं कि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम 10 मुहर्रम को पैदा हुए। अब आप बताओ किस बात पे यकीन करो? पैदाइश का तो इत्तफाक ही नहीं, लेकिन वफात का इत्तफाक। हर मर्तबा जिक्र इस बात पे मुत्तफिक है कि आप अलैहि सलाम 12 रबीउल अव्वल को इस कायनात से रुखसत हो गए वफात। तो हम आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी कर रहे हैं या वफात का गम मना रहे हैं? तो मेरे यारों, मसल की इख्तलाफात अपनी जगह पे, ये तफरके वाली अपनी जगह पे, लेकिन एक कलमा वो मुसलमान होने की हैसियत से जरा अपने अमल पे गौर करें, जरा हम तवज्जो करें, जरा हम दिल पे हाथ रख के सोचे कि इमाम कायनात के साथ ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसी उल्फत है, ये कैसी अकीदत है कि 12 रबीउल अव्वल को आका कायनात इस जहान से जा रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं, वफात पा चुके हैं। मदीने की गली और बाजारों में सफेद मातम बिछा हुआ है। आका अलैहिस्सलाम की महबूब और प्यारी बेटी अम्मा जी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खातून जन्नत गम से परेशान है, सदमे से तो चार है, रोनो के बुरा हाल है, लेकिन आज हम जश्न मना रहे हैं। ताते फिक्र क्या देना चाहता है कि आका अलैहिस्सलाम की इस कायनात में आने की खुशी बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मैं किसी एक मकतबा फिक्र से मुखातब नहीं हूं, मैं किसी खास ग्रोह और तबके से मुखातब नहीं हूं, दावते आम दे रहा हूं तमाम मुसलमानों के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में ये ऐलान फरमा रहे हैं कि अगर कामयाबी चाहते हो, अगर जन्नत चाहते हो, अगर नाकामी से बचना चाहते हो, अगर जन्नत चाहते हो, तो मेरे पैगंबर के मिशन को अपनाओ, जिशन को ना अपनाओ। दो छोटी छोटी मिसालें पेश करके अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म क्या है कि अगर तुम अपने आका मौला रहमतो रहनुमा पेशवा मुक्तदा के साथ मोहब्बत का दावा करते हो, अकीदत का दावा करते हो, इज्जत का दावा करते हो, तो फिर आका अलैहिस्सलाम के मिशन को अपनाओ, आका अलैहिस्सलाम के आने का जिशन ना बनाओ, आका के मिशन को अपनाओ। अपनी बात नहीं कर रहा, अपने उस्ताद की बात नहीं कर रहा, अपने मसलक के मौलवी की बात नहीं कर रहा, बल्कि रब्बे काबा की कसम है लोगों, मैं जिस अस्ते से मुहातब हूं, मैं जिस
मिंबर से बात कर रहा हूं, मेरे मसला का हर अदीब, मेरी जमात का हर अदीब, मेरे मसला का हर बड़ा और छोटा रब्बे काबा की कसम है, ईद के मामले में जब भी बात करता है या रब्बे कुरान की बात करता है या जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान की बात करता है। हम किससे कहानियां नहीं सुनाते, हम हार पेश नहीं करते। मैं भी इंशाअल्लाह जाके कुरान की बात कर रहा हूं, कुरान मजीद से दो मिसालें आपके सामने पेश करता हूं। एक वो तबका है, एक वो इंसान है। आका अलैहि सलाम की आमद की इत्तला मिलती है, आका अलैहि सलाम की पैदाइश की खबर मिलती है। गुलाम आके लौंडी आके कहती है, सरदार जी आपके फौजशुदा भाई के घर अल्लाह तबारक व तआला ने चांद सा बेटा पैदा किया है। उस सरदार को सुनो कि हस्ब और नसब भी बहुत बड़ा है, मान और दौलत भी बहुत ज्यादा है, चाहो जलाल भी बहुत ज्यादा है, बरादरी और कुनबा भी बहुत बड़ा है, निस्बत इतनी बड़ी है कि सरदार है सरदार, सैयद है और हुसन इतना ज्यादा है कि अल्लाह तबारक व तआला भी कुरान मजीद में उसे हुसन का बाप कह रहे हैं। हुसन का बाप इतना खूबसूरत है, रंग ऐसे दहकता था कि जैसे आपके कोयले नहीं बकते, आपके कोयले जैसे सुरख अंगारे होते हैं, जैसे वो सुरख होते हैं, जैसे वो ऐसे दुखते और बकते होते हैं, इस तरह उसका रंग है। खूबसूरती में इतना ज्यादा है, मालो दौलत में बहुत ज्यादा है, हस्त नस्त में बहुत ज्यादा है, लेकिन याद रखो आका अली सलाम के मिशन को अपनाता नहीं है, आका अली सलाम के इस कायनात में आने के चिचड़ को बनाता है। जाओ उठाओ कुरान मजीद को, अल्लाह तबारक व तआला की पाक कलाम है। तो मेरे भाइयों, ये तो हमारी बदनसीबी है, ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हमने अल्लाह तबारक व तआला की नाजल करदा इस किताब कुरान मजीद को नजरअंदाज कर दिया है, इसे हमने छोड़ दिया है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का हमारी तरफ पैगाम है, ये अल्लाह की भेजी हुई हमारी तरफ चिट्ठी है। आज हमारा कोई अजीज, हमारा कोई दोस्त, हमारा रिश्तेदार हमारे पास कोई पैगाम भेजता है, हमारे खून में किसी कंपनी का कोई मैसेज आता है, हमें उस वक्त तक सुकून नहीं आता जब तक हम अपना मोबाइल खोल के देख नहीं लेते कि हमारे मोबाइल में मैसेज क्या आया है। लेकिन खाल के कायनात का भेजा हुआ मैसेज है, अल्लाह तबारक व तआला का भेजा हुआ पैगाम है, ये कुरान है जिसे अल्लाह ताला ने मेरे और आपके लिए दस्तूर हयात बना के भेजा है, ज़ाब्ता हयात बना के भेजा है। हमने आज इसे छोड़ दिया है, इसे नजरअंदाज कर दिया है। हम इसे कभी ना पढ़ने की ज़हमत करते हैं, ना सुनने की ज़हमत करते हैं, ना समझने की ज़हमत करते हैं, ना ही इस पे अमल तब पैरा का होने की कोशिश करते हैं। तो फिर हजरत बयान फरमा रहे हैं कि हमारी तबाही और बर्बादी तो फिर ऐसे ही होनी है कि आज जिस तरह भी नजर उठाते हैं तबाही और बर्बादी है, नाकामी और ना मुरादी है। हमारे मुल्क का हाल देखें, हमारी कौम का हाल देखें, आज मुसलमानों की जिल्लत और रसवाई का हाल देखें, उसकी वजह यही है कि हमने अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए पैगाम को छोड़ दिया। दोस्तों, अगर दुनिया में इज्जत पाना चाहते हो, मरने के बाद कल आखिरत में कामयाबी हासिल करना चाहते हो, तो अल्लाह ताला के पाक कलाम से अपना टूटा हुआ रिश्ता जोड़ दो। आज अल्लाह के घर मस्जिद में बैठ के अल्लाह को गवाह करके ये वादा करो कि हर रोज अल्लाह तबारक व तआला जितनी भी तौहीद दे, हाँ एक सिपारा पढ़े, हाँ आधा सिपारा पढ़े, हाँ कुरान मजीद का एक सफा तलावत करे, एक रुकू तलावत करे, जाओ आज अल्लाह के घर मस्जिद में बैठ के अल्लाह को गवाह करके वादा करो कि आज के बाद अपने घरों में, अपनी दुकानों में, अपने मकानों में, अपने ढेरों पर, अपनी बैठकों में, अपने दफातर में अल्लाह की किताब कुरान मजीद की तिलावत करना आपका काम है। आसमान
आसमान से रहमतें और बरकतें नाज़िल करना मालिक कायनात पर सरदार है। आका अलैहि सलाम के पैदाइश की खबर मिलती है, आका अलैहि सलाम का कलमा नहीं पढ़ता, आप अलैहि सलाम की सीरत को नहीं अपनाता, आप अलैहि सलाम के मिशन को नहीं अपनाता। अल्लाह कुरान मजीद में ऐलान कर रहा है, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहु मालहु व मा कसब। लफ्ज़ी तर्जमा करने का वक्त नहीं है, मुख्तसर ये है मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है वो नवाब, वो सरदार, वो ज़ात का सैयद अल्लाह के पैगंबर की बात को ना मानने की वजह से, आका अलैहि सलाम के मिशन को ना अपनाने की वजह से, आका अलैहि सलाम का कलमा ना पढ़ने की वजह से, आप अलैहि सलाम की सीरत पे अमल ना करने की वजह से तबाह बर्बाद हो गया। और दूसरी तरफ आए दूसरा रुख आखिरी बात, हस्ब और नसब भी बड़ा नहीं, मालो दौलत भी ज्यादा नहीं, और रंग का काला है, बिकता बकाता गुलाम है, लेकिन रब्बे काबा की कसम है आका अलैहिस्सलाम के इस कायनात में आने का जश्न नहीं मनाता, बल्कि आप अलैहिस्सलाम के मिशन को अपनाता है, चलता जमीन पे है, चलने के कदमों की आवाज जन्नत में अल्लाह सुनाई देगा। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में ये इलाज फरमा रहे हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिउनी युहबिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। के कायनात के लोगों, अगर तुम मोहब्बत, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो उसका एक ही मियार है, उसका एक ही तरीका है कि फत्ता बे उरी आका अलैहि सलाम की पैरवी करो, आप अलैहि सलाम की इताअत करो, दुनिया में दीन में मईशत में मुआशरत में गमी में खुशी में जिंदगी का हर हर अमल अगर करना है अल्लाह के हुक्म और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करना है। तो आइए फिर आज अल्लाह तबारक व तआला से ये अहद करें, अल्लाह से ये वादा करें और अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत को समझकर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।